जो भी गड़बड़ करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती नहीं हो सकती। एक ग्राम प्रधान कहते रहे कि हम ठीक काम करो, ठीक करा देते हैं। पिछले साल उन्होंने बताया 3 गड़बड़ हुआ था ना, 3 खराब हुआ। आप लोग बस एक बहाना पा गए हो वो ग्राम पंचायत, यही कह के आपकी रिस्पांसिबिलिटी खत्म हो जाएगी। हम भी यही कहते हैं कि वो तो ग्राम प्रधान देखने हैं। ये सब बहानेबाजी छोड़ो, जो हैंड पंप है वो आपका है, केवल इनका रोल ही इतना है। हैंड पंप को गाड़ा किसने, किसने गाड़ा? अपने जेई को फिर एक नई एडिशनल रिस्पांसिबिलिटी दो, ये सर्वे कराएं, ठीक है। इस गर्मी में एक टेंटेटिव एक एवरेज निकालो अभी से कि गर्मी में हमारे पिछले 3-4 साल में कितने सूखे, तो हमें आइडिया लग जाएगा इतने सूखेंगे। अभी से हम प्रधान और अपने सचिव को आगाह कर देंगे। या आप लोग ये कह के जो ये आइंदा से मैं सुनूंगा नहीं कि ये प्रधान जी, प्रधान जी ये कह के जो कन्नी काटते हो ना, ये ठीक नहीं है। ये जो इनका पाइप की एजेंट योजना, इसको रिकंस्ट्रक्ट कराइए, ठीक है। उसकी फाइल लाइए मेरे सामने, उसी से इनका पानी हो जाएगा। ये 30 साल का पूरा हुआ है, 2013 में इसका लिखित पड़त रिकंस्ट्रक्ट के लिए कब गया, यहाँ नलकूप कितने हैं? नलकूप हमारे सरकारी नलकूप इस गांव में कितने हैं? मौजे में लगा है इस गांव में, क्यों बताइए भाई? इस गांव में 3 है, सर रेवन्यू विलेज के हिसाब से देखें 3 रेवन्यू विलेज है, तीनों में एक एक। तो आप लोगों का जो इस गांव वाला है मेन विलेज कौन है? यही है मेन विलेज रगौली गांव पंचायत। तो ये वाला जो है कब लगा? एक मिनट ये कौन सा जवाब है, पुराना लगा है? कब लगा हम पूछ रहे हैं, तो मुझे संचाइए कोई एनालिसिस करी कि कब लगा ये।